हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वे सरी। बच्चों, आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएन सॉल्यूशंस। जैसा कि आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एसएन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम उसके आगे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है बच्चों कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, यहां पे कर लेते हैं। बट उसके भी पहले मैं ये बात आप सभी को कहूंगा कि कमेंट करके हमको ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर आपके प्रिपरेशन में कितनी ज्यादा हेल्पफुल हो पा रही है, ठीक है, या फिर आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हो। ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। तो हमसे केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछ रहा है बच्चों। बहुत ढेर सारी केमिकल रिएक्शन है। अगर आपके एनसीईआरटी बुक की ही बात करें तो पहला जो एक्टिविटी है कि मैग्नीशियम को क्या करा गया है, जलाया गया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वो क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। या फिर कोई और एक्टिविटी ले सकते हो, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लें, जिंक है आपके पास और इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराओगे तो ZnCl2 बनता है, जिंक क्लोराइड, और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शन के। या फिर आप ओरली एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जो दही बनता है वो क्या है, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, कुकिंग फूड हो गया, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल हो गया, ये सभी क्या है, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो आप कोई भी बता सकते हो, ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ओवर जिंक ग्रेनुल्स। कह रहा है कि दो कैरेक्टरिस्टिक क्या करो, बताओ, स्टेट करो, कब, किस प्रोसेस की दो कैरेक्टरिस्टिक बताना है, मतलब किस प्रोसेस में दो कैरेक्टरिस्टिक हमको यहां पे बताना है, कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया जाता है, जिंक ग्रेनुल्स के ऊपर क्या किया जाता है, पोर किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं जो यहां पर हो रही है। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों, डाइल्यूट H2SO4, इसका रिएक्शन जब हम जिंक से कराते हैं बच्चों तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है, और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन बच्चों हमसे केमिकल रिएक्शन नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन लिख दो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इस रिएक्शन में जो हो रही है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है बच्चों कि यहां पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मतलब कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है यहां पर, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, कि वो तो आप फील करोगे, जब ये रिएक्शन करोगे तभी फील कर पाओगे, बट मैं यहां पे बता रहा हूं आप सभी को कि जब भी आप जिंक ग्रेनुल्स पे क्या करोगे, डाइल्यूट H2SO4 पोर करोगे, गिराओगे, ठीक है, मिक्स करोगे, तो उस केस में क्या होगा कि जिस भी पॉट में, जिस भी बीकर में आप ये रिएक्शन करोगे ना, तो आपको वहां पे चेंज इन टेम्परेचर देखेगा, मतलब कि टेम्परेचर पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आपको वार्म फील होगा उस बीकर या उस पॉट का टेम्परेचर, ठीक है। तो एक और यहां पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही हैं जो कि मैंने यहां पे बता दिया, पहली इवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 17 नंबर के क्वेश्चन का, कह रहा है कि गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स ऑन एडिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। फिर से दो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है हमसे, अरे कितनी बार कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, चलो पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है कब, जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन ऐड किया जाता है बच्चों, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख ले रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड का केमिकल फॉर्मूला आप सभी को पता है,
के आई बहुत ही सिंपल है, और लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल दो, मतलब सॉरी होल ट्वाइस, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो बच्चों क्या फॉर्म होता है, बनता है आपका PbI2, मतलब कि लेड आयोडाइड, और इसी के साथ फॉर्म होगा, एक सेकंड में थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, PbI2, और इसी के साथ बनेगा आपका KNO3, ठीक है। अब बच्चों यहां पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो रही है कि ये जो लेड नाइट्रेट होता है ना बच्चों, इसका कलर होता है व्हाइट। कैसा कलर होता है? व्हाइट। और जब ये रिएक्शन हो जाती ना तो लेड आयोडाइड जो बनता है उसका कलर कैसा हो जाता है बच्चों? पीला, येलो कलर का हो जाता है। तो व्हाइट से येलो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, चेंज इन कलर आ रहा है यहां पे। क्या आ रहा है? चेंज इन कलर आ रहा है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर लिया। उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बच्चों, तो ये जो लेड आयोडाइड बन रहा है ना, ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का पीपीटी है, पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है, ये भी एक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दूसरी कौन सी हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही थी यहां पे, मैंने दोनों मेंशन कर दिया, ठीक है।